भारतीय जनता पार्टी की हिटलर शाही है, पत्रकार सच दिखा रहा है, आईना दिखाता है ना, तो उसके खिलाफ मुकदमा। कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई पत्रकार कुछ कह रहा है सही बात, तो उसके खिलाफ मुकदमा। ये भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही अख्तियार की है, इसके हिटलर शाही को कोई खत्म करेगा तो ओम प्रकाश राजभर। वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में है और हमारे समय साथ इस समय है जो कि भारतीय सुहेलदेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं और किस तरीके से तैयारी, क्योंकि आज भी इन्होंने यहां पर लोगों को संबोधित किया है, लोगों से मिला है, और क्या जानकारी उन्हों को दी है और कैसे तैयारी चली इनकी पार्टी का, लोगों तक जाने तक कैसे पहुँच पाएंगे, क्योंकि इनकी पार्टी अभी तैयारी कहाँ तक है ये खुद इनसे जानते हैं। किस तरीके की तैयारी है आपकी पार्टी? देखिए, हम लोग 20 महीने से भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के उत्तर प्रदेश के 75 जिले में और 403 विधानसभाओं में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 20 महीने से उसी कड़ी में आपके बनारस में ये रोहनिया जो देख रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने शिवपुर में, इसके पहले आपके अजगरा में, आपके मुख्यालय पर पिंडरा में कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं। यहाँ भी कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि सब लोग लपट के सरकार बनाओ, 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ़ होगा, गरीबों का इलाज 5 साल फ्री होगा, हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा करेंगे, हम प्रदेश में जातिवार जनगणना करा के दिखाएंगे, हम गरीबों महिलाओं के 33% जो रिजर्वेशन है उसको लागू करके दिखाएंगे। आप भाजपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बात करें अगर मंत्री थे तो आपका एक उनसे था कि आरक्षण को लेकर, उसी आरक्षण के लिए आपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है, तभी क्या आगे आपने सोचा है कि इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने की? 100% जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के बैरियर को तोड़ दिया, 50% आरक्षण पे रोक था, लेकिन गरीब समण को 10% दे करके मोदी जी ने उस बैरियर को तोड़ दिया। हम इसी बात को कह रहे हैं कि आप जातिवार जनगणना करा लो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दो। तो ये चीज़ें भाजपा नहीं चाहती है, भाजपा पिछड़े दलित का हिस्सा लूट रही है, लूटने के लिए वो एकदम कदम बनाई है। 26 थाने हैं बनारस में, एक भी थाने पर राजभर नहीं, प्रजापति नहीं, पाल नहीं, बिंद नहीं, केवट नहीं, नाई नहीं, गुण नहीं, खरवार नहीं, मुसहर नहीं, धोबी नहीं, धरकार नहीं, मिस्तर नहीं, ये क्या है तमाशा? आपकी लड़ाई भाजपा से है या भाजपा की नीतियों से है? हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, हमसे कोई लड़ी नहीं पा रहा है। 43% अति पिछड़ों का आबादी है उत्तर प्रदेश में और सरकार बनती है मात्र 35% पर, तो 43% वोट तो हम लोगों के साथ है, और उसके बाद भी 20% मुसलमान का वोट है, वो भी हक से वंचित है, वो भी साथ में है, तो 100 में 65 हमारा है, 35 में भी बंटवारा है। शशि सिंह हैं आपके बगल में, पीछे हैं इधर हमारे प्रभाकर जायसवाल जी हैं, राजेश पटेल हैं, राजेश यादव हैं, अभय पटेल हैं। हमारे वाराणसी की, वाराणसी में तमाम इस समय काम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, चाहे कॉरिडोर की बात करें, 4 लेन 6 लेन की बात करें, या अभी रुद्राज कन्वेंशन सेंटर भी, क्या लग रहा है वाराणसी में काम हुआ है या प्रदेश में भी काम हुआ है? ये लूटमार हो रही है, भारतीय जनता पार्टी लूटमार कंपनी। प्रधानमंत्री शाम को उद्घाटन करते हैं, सुबह छत गिर जाती है, क्यों? भ्रष्टाचार है ना इस प्रदेश में। एक नंबर, आज़ादी के 75 साल में गाँवों से लाश लेकर के लोग मणिकर्णिका जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में मणिकर्णिका से लाश लेके लोग गांव गए हैं, देखा है ना, ये हाल है भाजपा का। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है, ये जितने भी ठीका पट्टा यहाँ हो रहा है सब गुजराती कर रहे हैं, वो लूट रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। पुल गिरा था ना, जाँच हुई, कोई दोषी पाया गया नहीं, छत गिरा है, कोई दोषी नहीं, चूँकि गुजराती सब हैं। आप ही के साथ डिबेट में, एक डिबेट आप हुआ था जिसमें आप ही के साथ लखनऊ में बात करें, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था, स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कहा था कि महंगाई नहीं है। आप बताओ महंगाई है कि नहीं, आप बताओ, यहाँ जितने लोग हैं अभी हम सबसे पूछें कि बताओ महंगाई से कितने लोग त्रस्त हो, तो 100% पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता त्राहि त्राहि मची है, इनको जवाब देगी ना, वहाँ में गंगा में चले। उनका कहना है, जैसे तमाम चीज़ों को उनका कहना है कि लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको 2 महीने में 2 बार जो राशन मिल रहा है, उनको मनरेगा की जो है कि वो भी दी गई है, तमाम उनको सुविधाएं दे रहे हैं, गांव-गांव में लोग मोगी पाँच चीज़ें डेली उपयोग की हम बता देते हैं, गैस सिलेंडर, सरसों का तेल,
अरहर की दाल, पेट्रोल और डीजल पाँच, ये पाँचों में मिला के 1000 रुपया लूट रहे हैं ये सब भाजपाई लूट रहे हैं ना 1000। दे कितना रहे हैं, 5 किलो गेहूं 65 रुपया और 135 रुपया का झोरा 200 दे के 800 लूटत हुआ। मतलब ये लूट रहे हैं, दिखाई 200 दे के दिखा रहे हैं, हम 5 किलो गेहूं दे रहे हैं आपको, यही का बाजा बजा रहे हैं चैनलों पर, टीवी में बता रहे हैं। बात करें जैसे कि आपका किस पार्टी से गठजोड़ होगा या गठबंधन होगा, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हो पाया है आपकी तरफ से। आपने जब पिछली बार यहाँ पे आए थे तो आपने कहा था 125 सीटों से हम लड़ेंगे, तो अभी क्या क्लियर हो पाया? हमने नहीं कहा था, हम 403 सीटों पर लड़ेंगे। हमारा मोर्चा जो है प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकंठ कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर, राजकुमार सैनी, हम 10 लोग हैं। 10 लोग मिल करके भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है। हम 403 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे विकल्प खुले हैं भाजपा को छोड़ करके, सपा आना चाहे आवे, बसपा आना चाहे आवे, कांग्रेस आना चाहे आवे, हम उनका स्वागत करते हैं विचारों पर। अभी किसी से इस बात पे चर्चा, इस संबंध में किसी से कोई बात नहीं। और बात करें अगर बीजेपी की, बीजेपी आपके अगर इस बातों पे अगर कहीं से आपसे मेल खाता है तो क्या करेंगे? बीजेपी डूबती हुई नैया है, के वोट देवल चाहता, यहाँ जितना जने हुए कोई से पूछ लो कोई वोट दे भाजपा के, कोई देवे के तैयार ना है। और डूबती भी नैया जेके मरे को जाए हम तो न जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की हिटलर शाही है, पत्रकार सच दिखा रहा है, आईना दिखाता है ना, तो उसके खिलाफ मुकदमा। कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई पत्रकार कुछ कर रहा है सही बात, तो उसके खिलाफ मुकदमा। ये भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही अख्तियार की है, इसके हिटलर शाही को कोई खत्म करेगा तो ओम प्रकाश राजभर करेगा। एक लास्ट सवाल है आपसे कि आपने कहा था यहाँ मंच से ही कि बिजली जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आएगी तो बिजली मुक्त कर देंगे। आप ये बताओ दिल्ली में बिजली 201 यूनिट 70 रुपये में मिलती है, वहाँ लोहे का तार है। यूपी में बिजली 201 यूनिट 2300 में देते हैं, यहाँ सोना पर आवत हो। यही से हम कहते हैं सरकार बनी, 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ करके दिखाऊंगा, चाहे दुनिया एक इधर से उधर हो जाए। सर हमारे साथ सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि ओम प्रकाश राजभर थे, उन्होंने तमाम बातों को रखा और उन्होंने कहा कि हमारे आरक्षण की बात बीजेपी सरकार ने नहीं मानी, इसलिए हमने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने भाजपा पे तमाम जो है कि आरोप भी लगाए कि उन्होंने, बात करें अगर महंगाई की तो महंगाई भी चरम सीमा पर है, उसका भी किसी से, जो पेट्रोल डीजल की बात करें तो उसका भी कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो भाजपा से हमारा कहीं कहीं गठजोड़ नहीं होगा और मेरा रास्ता खुला है, वो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, लेकिन भाजपा को छोड़ के। तो इस तरीके से जो है कि ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात को रखा और कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, जो आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है उसके लिए पूरी तैयार हैं और हम पूरी सीटों से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी से रवि सिंह, CN न्यूज़ के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की हिटलर शाही है, पत्रकार सच दिखा रहा है, आईना दिखाता है ना, तो उसके खिलाफ मुकदमा। कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई पत्रकार कुछ कर रहा है सही बात, तो उसके खिलाफ मुकदमा। ये भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही अख्तियार की है, इसके हिटलर शाही को कोई खत्म करेगा तो ओम प्रकाश राजभर करेगा।